हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे कोरोना संक्रमण कैसे भागेगा, लापरवाही की हद है। ये नजारा बाड़मेर शहर के महावीर नगर कोरोना वैक्सीन सेंटर का है, जहां कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीका लगाने आए लोग भीड़ में कोरोना संक्रमण को ही भूल गए। सेंटर पर ना लाइन थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। मंगलवार को वैक्सीन सेंटर पर सुबह से 18 से 44 आयु वर्ग के लोग भीड़ लग गई। प्रशासन की तरफ से उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 18 प्लस के लोगों रजिस्ट्रेशन भी सेंटर पर हो रहा है। वैक्सीन लगाने आए लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महावीर नगर सिटी डिस्पेंसरी में एकमात्र वैक्सीन सेंटर होने के कारण सुबह से 18 से ऊपर वाले आयु वर्ग के लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। वैक्सीन सेंटर पर ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इससे टीका लगाने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा एकत्रित हो गई। लोगों में टीका लगाने की होड़ में कोरोना संक्रमण की गाइडलाइंस को भूल गए। सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भी नजर आए। सोमवार को कई लोगों को बिना टीके के ही वापस लौटना पड़ा। संगीता ने बताया कि मैं सेंटर पर 3-4 घंटे खड़ी रही। जब मेरा नंबर आया तो मेरे से फॉर्म मांगा गया। मेरे पास आधार कार्ड था, उसके बाद भी मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वही महेश ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन में लगे लोग अपने परिचितों के ही वैक्सीन की डोज लगा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन नहीं होने और फ्रंटलाइन वर्कर का कहकर लौटा रहे हैं। डॉक्टर रचना खाटी ने बताया कि महावीर नगर सेंटर पर राशन डीलर कोविड व्यवस्था में लगे हुए फ्रंट लाइन वर्कर के टीका लगाया जा रहा है। लोगों के फॉर्म भरवा कर टोकन दिया जा रहा है, जो पहले आ रहे उनके पहले टीका लगाया जा रहा है। परिचितों को टीकाकरण के आरोप पर इसे गलत बताया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।